आज हर कोई रावण को एक बुराई के रूप में देखता है क्योंकि उसने धोखे से माता सीता का अपहरण किया था। लेकिन दानव होते हुए भी रावण में बहुत सारी अच्छाइयां भी थी, जिसके कारण आज भी दुनिया के कई देशों में रावण की पूजा होती है। रावण की पहली अच्छाई, महापंडित था रावण। कहा जाता है कि जब श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, तब श्री राम रामेश्वरम के पास गए और वहां उन्होंने विजय यज्ञ की तैयारी की। उसकी पूर्ण आहुति के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलावा भेजा गया, मगर उन्होंने आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। अब सोच विचार होने लगा कि किस पंडित को बुलाया जाए ताकि विजय यज्ञ पूर्ण हो सके। तब प्रभु राम ने सुग्रीव को कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ। सभी आश्चर्यचकित थे, किंतु सुग्रीव प्रभु राम के आदेश से लंकापति रावण के पास गए। रावण यज्ञ पूर्ण कराने के लिए और आने के लिए तैयार हो गया और कहा कि तुम तैयारी करो, मैं समय पर आ जाऊंगा। रावण पुष्पक विमान में माता सीता को साथ लेकर आया और माता सीता को राम के पास बैठने को कहा। फिर रावण ने यज्ञ पूर्ण किया और प्रभु श्री राम को विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया। फिर रावण सीता माता को लेकर लंका चला गया। जब लोगों ने रावण से पूछा कि आपने श्री राम को विजयी होने का आशीर्वाद क्यों दिया, तब रावण ने कहा कि महान पंडित ने यह आशीर्वाद दिया था, राजा रावण ने नहीं। रावण की दूसरी अच्छाई, शिव भक्त था रावण। एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिवजी ध्यान मगन में बैठे थे। शिवजी के सवारी नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है क्योंकि भगवान तप में मगन है। रावण को यह सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना पुष्पक विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। यह देख भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी पर्वत के नीचे दब गया और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दे। और इसी घटना के बाद रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त बन गया। रावण की तीसरी अच्छाई, राजनीति का ज्ञाता था रावण। जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तब राम ने लक्ष्मण को राजनीति का ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भेजा। जब लक्ष्मण रावण के सिर की ओर बैठ गए तब रावण ने कहा कि सीखने के लिए सिर की तरफ नहीं बल्कि पैर की ओर बैठना चाहिए, और रावण ने कहा कि ये मेरी तरफ से पहली सीख है। और रावण ने लक्ष्मण को राजनीति के कई गूढ़ रहस्य भी बताए। रावण की चौथी अच्छाई, कई शास्त्रों का रचयिता था रावण। जैसा कि हम सभी को पता है कि रावण बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। उसने शिव की स्तुति में तांडव श्लोक लिखा था। रावण की पांचवी अच्छाई, परिजनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध था रावण। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा कि सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य भी है। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मारिच के साथ मिलकर माता सीता का अपहरण का योजना रची। इसके अनुसार मारिच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण को वन में ले जाने और उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना थी। इस पर जब राम हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद जब राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता माता का अपहरण करके ले उड़ा। अपहरण करके आकाश मार्ग से जाते समय पक्षी राज जटायु के रोकने पर रावण ने उनके पंख काट दिए। रावण ने माता सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उनकी देखरेख का भार दिया। रावण की छठी अच्छाई, रावण ने कभी माता सीता को छुआ तक नहीं। भगवान राम की अर्धांगनी माँ सीता का पंचवटी के पास लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा था, लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। रावण जब सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दिया है। तुम्हें श्री राम जी के शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। सीता माता के इस बात से निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त करने को 2 माह की अवधि दी। इसके बाद रावण या तो सीता से विवाह करेगा या उनका अंत करेगा। रावण ने सीता को हर तरह के प्रलोभन दिए कि वह उनकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती है तो वह अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासियां बना देंगी और उसे लंका की राजरानी बना देगा। लेकिन सीता माता रावण के किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आई। तब रावण ने सीता को जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन यह धमकी भी काम नहीं कर पाई। रावण चाहता तो सीता के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रावण की सातवीं अच्छाई, अच्छा शासक था रावण। रावण ने असंगठित राक्षस समाज को एकत्रित कर उनके कल्याण के लिए कई कार्य किए। रावण के शासन काल में जनता सुखी और समृद्ध थी, सभी नियमों से चलते थे और किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का अपराध करने की हिम्मत नहीं होती थी। रावण ने सुम्बा और बालीद्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलय
दीप, वराह दीप, शंख दीप, कुश दीप, यौ दीप और अंधराले पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और संपूर्ण श्रीलंका तक था।